प्रेमवुन भानु जय घोष राजेंद्र चंद्रशेखर सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबको प्रश्न होता होगा कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों, अब तक तो संसार ही क्या देखा है। तो उसका जवाब है कि क्रिकेट का भगवान ऐसा सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में बैट उठाए तो वो क्रिकेट का भगवान नहीं बन सकता, वैसे ही मुझे वितराग बनना है, उसके लिए मैं छोटी उम्र से उसके लिए मुझे तैयारी चालू करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न कि अब तक संसार ही क्या देखा है, तो जब मम्मी खिचड़ी बनाते हैं तो तब चेक करने के लिए सब दाने चेक नहीं करते, एक दो दाने उठा के चेक करते हैं, तो आप क्यों अपेक्षा रखते हो कि मैं पूरे संसार को चेक करूं? एक तो आप दुख में जी रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं संसार को देखूं। ओ माताओं, तुम अपने बेटे के लिए दिन रात एक करके उसको संभालते हो, वही आज तुम्हारा सुनता नहीं है, तुम्हारे सामने बोलता है, वैसा संसार तुमको पसंद है? ओ पिताओ, तुम तुम्हारे बेटे के लिए पसीने बहा के उसको स्कूल के रास्ते दिखाते हो, वही आज तुमको आज वृद्धाश्रम के रास्ते दिखाता है, वैसा संसार आपको पता है? संसार में असारे नथी स्वम वाये वे अना पूरे जानन तो यह जीवो न कुने जिने देसीयम दमम। संसार असार है वो मैं इतनी छोटी वय में समझ गया हूँ, अब बड़ी उम्र में तो समझो। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि मैं चंदन जैसा शीतल बनूं, सूरज जैसे अंधकार का नष्ट करता है और प्रकाश फैलाता है, मैं वैसे कर्मों का नष्ट करके सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं पेड़ जैसे गर्मी की ऋतु में अपने पत्तों को सरलता से छोड़ देती है, वैसे ही मैं भी मेरे कर्मों को उसी तरह से छोड़ूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि तारे जैसे अनगिनत है, वैसे मैं भी मेरे में भी अनगिनत गुण हो। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि नदी जैसे समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे मैं भी गुरु के चरणों में विलीन हो जाऊँ। मेरी माता संसारी माता अगर लड़का MBA CA बने तो खुश होती है, लेकिन शासन की माता बेटा अगर 45 आगम जीविचार नत्र वगैरह पढ़े तो खुश होती है। संसारी माता अगर बेटा स्विमिंग करे तो खुश होती है, लेकिन शासन माता जब बेटा भवसागर से पार उतरे तैर कर तो खुश होती है। संसारी माता बेटा साइकिलिंग सीखे तो खुश होती है, लेकिन शासन माता बेटा जब विहार करे तो खुश होती है। संसारी माता अगर बेटा शादी इंजीनियर बन के बिल्डर कर बिल्डिंग बनाए तो खुश होती है, लेकिन शासन माता अगर विनय वयाव सरलता आदि गुणों के पाए पर बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करे तो खुश होती है। संसारी माता बेटा शादी करे तो खुश होती है, लेकिन शासन माता बेटा दीक्षा ले तो खुश होती है। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे संसारी माता नहीं पर शासन माता मिली है। आप अपने बेटों को स्मार्ट बनाने के लिए कॉन्वेंट एजुकेशन पढ़ाती हो, लेकिन मुझे मेरे माता पिता ने ओरिजिनल स्मार्टनेस दिलाने के लिए मोहपाध्याय जी और कलिका सरोगनी जी के ग्रंथ पढ़ाए हैं। आप अपने संतानों को हीरो बनाने के लिए खून पसीना एक कर देते हो, लेकिन वास्तविक नाते में तो जीरो ही होते हैं, पर मुझे माता पिता ने रियल हीरो बनाने के लिए देवगुरु और धर्म के सामने जीरो बनते सिखाया है। ये संसार रूपी भव जंगल में से मुझे पार उतरने के लिए गाइड जैसे गुरु तो मिल ही गए, जिनकी उंगली पकड़कर मैं ये जंगल में से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन आपने जिनकी उंगली पकड़ी है जैसे परिवार पैसा, वो खुद जंगल में भटके हुए, तो आपको आप कैसे पार होगे? आप सावधान हो जाइए। मेरी दीक्षा के अनुमोदनार्थ है आप संसार तो नहीं त्याग सकोगे, लेकिन अगर मैं 5 नियम छोटे छोटे नियम दूंगा तो वो भी अगर ले लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बड़े बड़े नियम नहीं, जैसे प्रतिक्रमण करना सामयिक करना, लेकिन छोटे नियम 5। सबसे पहले नल गल में जितने भी नल है उस सबको गरना बांधना, स्विच ऑन ऑफ करते पहले नमोरियंतरम बोलना, तीसरा गैस चालू करते पहले सुबह पूंजना, चौथा कंदमूल आजीवन त्याग, और 5वां मेरी दीक्षा में जरूर जरूर पधारना। मेरी दीक्षा के मेरे दीक्षा में अनुबोधना के निमित्त और मेरा संयम जीवन निष्कलंक बने उसके लिए 21/4/2022 चैत्रवत पाचम को मेरे अंतरिक्ष तीर्थ में मुझे आशीर्वाद की अमिवृष्टि करने के लिए जरूर जरूर पधारना।